हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल आपका कोमल्स किचन में स्वागत करती हूँ। आप सभी को कोमल्स किचन की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बनाने वाले हैं तीन तरह की मिठाई, वो भी एक डो से अलग अलग तरह की। यदि मिठाइयाँ बन जाएं तो हमारा काम कितना आसान हो जाता है। एक डो और तीन अलग अलग तरीके की मिठाई, वो भी बहुत सरल तरीके से। चलिए बना लेते हैं। करें लिया है 1.5 कप काजू। इस काजू को मैंने दो हिस्सों वाले मंगवाए हैं क्योंकि ये कम बजट में होते हैं और अच्छे से मिलते हैं। और ये हमारी मिठाई के लिए चाहिए। हमें खाना होता तो हम सैगो काजू खरीदते हैं, लेकिन मिठाई के लिए आधे आधे ये काजू मार्केट में मिलते हैं। और इसमें दिखते भी हैं कि हमारे फ्रेश भी काजू और कीड़े भी नहीं लगे रहते हैं। काजू पैक होते हैं, कई बार बहुत महंगे काजू के अंदर कीड़े लगे हुए मिलते हैं। इन काजू को हमने मिक्सी में डाल के बारीक सा पाउडर बना देना है। मैंने मिक्सी ग्राइंड में इसे ग्राइंड किया और बहुत ही फाइन सा पाउडर बन गया। यदि आपके पास गीले काजू है, कई बार हमारे काजू में मॉइस्चर रहता है, तो आप हल्की सी कढ़ाई पे उस काजू को पहले सेक लीजिए, फिर ठंडा कीजिए, फिर पाउडर बनाइए। यदि आपके काजू रोस्टेड है, फ्रेश है, तो आप उसे डायरेक्ट मिक्सी में पीस लीजिए। गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में डाले हूँ 1/2 कप पानी। जितनी शक्कर है उसका आधा हमें पानी लेना है। हमने 1.5 कप काजू लिया तो हमें 1.5 कप शक्कर डालनी है। जितने काजू उतनी शक्कर। सोचिए, अब हम मार्केट से खरीदते हैं काजू बर्फी, हमें 1000 रुपए किलो मिलती है। हम सोचते हैं 1000 रुपए के तो काजू हैं और 1000 रुपए की तो मिठाई है, लेकिन नहीं, आपके काजू की क्वांटिटी आधी लगती है और शक्कर। सोचिए, 1 किलो के रेट पे हमने 2 किलो मिठाई घर पे बनाएंगे और वो भी फ्रेश और ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं। त्योहारों में इतनी मिलावट आती है कि हम सोच के डर जाते हैं। हमें शक्कर को कंटिन्यू चलाना है जब तक हमारी शक्कर गल नहीं जाती है। हमें इसमें एकता की चाशनी नहीं बनाना है, हमें इसमें सिर्फ शक्कर गल जाए और एक बॉयल आए, तभी हमें काजू का पाउडर डाल देना है। यदि आप काजू का पाउडर घर पे नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप मार्केट में भी आजकल बादाम का पाउडर और काजू का पाउडर इजिली मिल जाता है। ग्रोसरी स्टोर पे आप इजिली जाके खरीद सकते हैं। हमारी शक्कर अच्छे से गल चुकी है और अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें अपना काजू पाउडर डाल देंगे। एक साथ काजू पाउडर डालने के बाद फिर हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। हमें थोड़ा थोड़ा नहीं डालना है, एक साथ डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। अब देखिए, हमने इसमें सारा काजू पाउडर डाल दिया है। अब इसे हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें एक टाइट सा डो बना देना है। इतनी इजीली तरीके से हमारे सारे पाउडर और शक्कर में अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। जो काजू भिगो के हम मिठाई बनाते हैं, वो काजू भी मिठाई भी अच्छी लगती है, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है। और हमें झटपट कभी मिठाई बनानी है तो हमें भिगोने की टेंशन नहीं है। झट से मैं पीसी और 10 मिनट में अपनी काजू बर्फी बना के तैयार कर लीजिए। त्योहारों में इतने सारे काम होते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं होती है, तो इसलिए हम शॉर्टकट में बहुत सारी मिठाइयाँ घर पे बना सकते हैं कम टाइम में और कम बजट पे। हमने कंटिन्यू चलाया तो हमारा डो काफी गाढ़ा हो गया है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए और चलाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद डो और ठीक हो जाता है। देखिए, हमने इसे डो को रूम टेम्परेचर पे रखा, डो हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन जेल कलर है, ये मार्केट में इजिली मिलता है। आप पास नहीं है, आप ड्राई कलर, वाटर कलर जो भी चाहें वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मिठाइयों में जेल कलर अच्छा लगता है और अच्छा से चढ़ जाता है। इसमें 2 ड्रॉप डालूंगी क्योंकि हमें डार्क ग्रीन बनाना है। और इसे हम फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। जेल कलर में पानी नहीं रहता है तो हमारा डो लूज नहीं होता है, और वाटर कलर में पानी होने की वजह से जब हम फ्लेम पे ही डो रखा रहे तब हमें कलर मिलाना चाहिए, ताकि वो डो घुमाते घुमाते हमारा अच्छे से उस पर कलर चढ़ जाएगा। और यदि आपके पास जेल कलर है तो आप डो को ठंडा करने के बाद ही उसमें ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। आप देख, इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यदि आप वाटर कलर नीचे मिक्स करेंगे तो आपका डो वापस गीला हो जाएगा। और आप देख रहे हैं, इसमें अच्छे से जेल कलर चढ़ रहा है, इसे मसलते हुए ही हमें चढ़ाना है। मैंने कलर अच्छे से इसमें मिक्स किया है और अच्छे से इसमें कलर सेट हो गया है।
अब हम इसमें डालेंगे कुछ काजू बादाम पिस्ते को मैंने काट के रखा है, अब सारे इसमें डाल के इसे सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि डो के अंदर एक अच्छा सा फ्लेवर है। काजू बर्फी का बाहर का तो फ्लेवर बहुत अच्छा है लेकिन अंदर की फीलिंग एक और नई फीलिंग रहेगी तो खाने का टेस्ट और दुगना हो जाएगा। इसे आराम से कीजिएगा ताकि सारे नट्स इसके अंदर चिपक जाएं। ऐसे अच्छे से मिक्स करते करते धीरे धीरे हाथों से तो ये सारे नट्स इसके अंदर चिपक जाएंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद एक अच्छा सा रोल बना के तैयार कर दिया है। अब हम इसकी बाहर की कोटिंग तैयार कर देंगे। मैंने फॉइल पेपर लिया है, इसके ऊपर हम वापस कॉर्नफ्लोर को लग देंगे। हमने इसमें अच्छे से कॉर्नफ्लोर को लगा दिया है। घी लगाने से कई बार हमारी मिठाइयाँ बहुत शाइनिंग देने लगती हैं तो इसलिए हमें काजू की बर्फी बिना घी के बनती है और वो खुद ही में ही इतनी हेल्दी होती है कि हमें और घी की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए हम इस पर कॉर्नफ्लोर लगा रहे हैं और डो को हम इसके ऊपर रख दे रहे हैं और डो को हम हाथ से पहले थोड़ा सा प्रेस कर देंगे फिर इसे बेल देंगे। एक बार इसे बेलने के बाद हम फिर से इसे पलटा देंगे। पहले हमें हाथ से काफी बेलना है फिर इसे बेलन से बेलना है। अब हम इसे बेलन से लंबे में हमें बेल देना है, चौड़ाई में नहीं बेलना है और हमें इसे लंबाई में बेलना है और बीच बीच में आप इसे हाथों से प्रेस भी करते जाइए ताकि क्रेक ना लगे। देखिए मैंने इसे अच्छे से बेल के तैयार कर दिया है और आप देखिए मैंने इसे मिड में रख दिया है। फिर हमें हाथों से इसे थोड़ा सा प्रेस कर देना है ताकि पूरे डो में वो अच्छे से फैल जाए। प्रेशर की सहायता से इसे फोल्ड कर देना है। अच्छे से फोल्ड करने के बाद हमें इसे एक शेप दे देना है। आप जिस शेप में भी देना चाहें उस शेप पे आप इसे सेट कर सकते हैं। देखिए कॉर्नफ्लोर की वजह से ये डो चिपक भी नहीं रहा है और अच्छे से सेट भी हो रहा है। और आप देखिए मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया है। कॉर्नफ्लोर लगाने से आपको सारी चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। इसे फोल्ड करना इसे निकालना सब चीजों में आसानी से हो जाती है। अब हम इसे रैप कर देंगे। हल्के हाथों से आप इसे रैप कीजिए। आपको गोल शेप देना है तो आप गोल भी दे सकते हैं। मैं इसे स्क्वायर शेप दे रही हूँ। आप ट्राइंगल दीजिए गोल दीजिए जो भी देना है वो शेप दीजिए और हल्के हाथों से इसे फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद इसे हमने अच्छे से रैप कर दिया है। अब हम इसे रख देंगे एक घंटे के लिए फ्रिज में। आधा घंटा हो गया, हमारी मिठाई अच्छे से सेट हो गई है। अब हम रैपिंग खोल के इसे कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चांदी वर्क, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाइए और चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। पूरे रोल पे अच्छे से चांदी वर्क लगा दिया है। सबसे पहले हम साइड से कट करके निकाल देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा पोर्शन है वो कट जाए और हमारे पीस से वो बराबर आधे आधे इंच के साइज पे हम कट कर देंगे। दोनों तरफ से प्रेस करके हम काटते हैं तो मिठाई हमारी इक्वल कटती है। और ये देखिए हमारी स्टफ काजू बर्फी बनके तैयार हो गई है। मैंने लिया है 1.5 कप काजू। इस काजू को मैंने दो हिस्सों वाले मंगवाए हैं क्योंकि ये कम बजट में होते हैं और अच्छे से मिलते हैं। और ये हमारी मिठाई के लिए चाहिए। हमें खाना होता तो हम सैगो काजू खरीदते हैं लेकिन मिठाई के लिए आधे आधे ये काजू मार्केट में मिलते हैं और इसमें दिखते भी हैं कि हमारे फ्रेश भी काजू और कीड़े भी नहीं लगे रहते हैं। काजू पैक होते हैं, कई बार बहुत महंगे काजू के अंदर कीड़े लगे हुए मिलते हैं। इन काजू को हमने मिक्सी में डाल के बारीक सा पाउडर बना देना है। मैंने मिक्सी ग्राइंड में इसे ग्राइंड किया और बहुत ही फाइन सा पाउडर बन गया। यदि आपके पास गीले काजू है, कई बार हमारे काजू में मॉइस्चर रहता है तो आप हल्की से कढ़ाई पे उस काजू को पहले सेक लीजिए फिर ठंडा कीजिए फिर पाउडर बनाइए। यदि आपके काजू रोस्टेड है फ्रेश है तो आप उसे डायरेक्ट मिक्सी में पीस लीजिए। गैस पे कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में डाल रही हूँ आधा कप पानी। जितनी शक्कर है उसका आधा हमें
पानी लेना है। हमने डेढ़ कप काजू लिया तो हमें डेढ़ कप शक्कर डालनी है, जितने काजू उतनी शक्कर। सोचिए अब हम मार्केट से खरीदते हैं काजू बर्फी, हमें 1000 रुपए किलो मिलती है, हम सोचते हैं 1000 रुपए के तो काजू हैं और 1000 रुपए की तो मिठाई है, लेकिन नहीं, आपके काजू की क्वांटिटी आधी लगती है और शक्कर। सोचिए 1 किलो के रेट पे हमने 2 किलो मिठाई घर पे बनाएंगे और वो भी फ्रेश और ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं। त्योहारों में इतनी मिलावट आती है कि हम सोच के डर जाते हैं। हमें शक्कर को कंटिन्यू चलाना है जब तक हमारी शक्कर गल नहीं जाती है। हमें इसमें एकता की चाशनी नहीं बनाना है, हमें इसमें सिर्फ शक्कर गल जाए और एक बॉयल आए तभी हमें काजू का पाउडर डाल देना है। यदि आप काजू का पाउडर घर पे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट में भी आजकल बादाम का पाउडर और काजू का पाउडर इजिली मिल जाता है, ग्रोसरी स्टोर पे आप इजिली जाके खरीद सकते हैं। हमारी शक्कर अच्छे से गल चुकी है और अच्छा सा बॉइल आ चुका है। अब हम इसमें अपना काजू पाउडर डाल देंगे। एक साथ काजू पाउडर डालने के बाद फिर हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे, हमें थोड़ा थोड़ा नहीं डालना है, एक साथ डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। अब देखिए हमने इसमें सारा काजू पाउडर डाल दिया है, अब इसे हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें एक टाइट सा डो बना देना है। कितनी इजीली तरीके से हमारे सारे पाउडर और शक्कर में अच्छे से मिक्स हो रहा है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है। जो काजू भिगो के हम मिठाई बनाते हैं वो काजू भी मिठाई अभी अच्छी लगती है, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है और हमें झटपट कभी मिठाई बनानी है तो हमें भिगोने की टेंशन नहीं है, झट से मैं पीसिए और 10 मिनट में अपनी काजू बर्फी बना के तैयार कर लीजिए। त्योहारों में इतने सारे काम होते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं होती है, तो इसलिए हम शॉर्टकट में बहुत सारी मिठाइयां घर पे बना सकते हैं कम टाइम में और कम बजट पे। हमने कंटिन्यू चलाया तो हमारा जो काफी गाढ़ा हो गया है, इसे 2 से 3 मिनट के लिए और चलाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद जो और ठीक हो जाता है। हमने 1 घंटा रूम टेम्परेचर पे रखा और हमारा डो काफी टाइट हो गया है। अब हम इसे अपने मन चाहे आकार से जो भी शेप देना चाहे हम उसे बना सकते हैं। आज मैं काजू के एप्पल बनाने वाली हूँ। अब सोचिए काजू और एप्पल दोनों हेल्दी होते हैं। आप सोचिए मैंने इसे गोल गोल बनाना है, ऐसा हाथ पे लेना है, हल्का सा उंगली से हमें प्रेस करना है और लौंग को उल्टा करके हमें इस पे लगा देना है और इसी तरह मुझे सारे एप्पल को तैयार कर देना है। कितने सुंदर लग रहे हैं ये हमारे एप्पल, आपको लग रहा है ना। इस पे हम चढ़ाएंगे अभी फूड कलर। ये देखिए मैंने सारे एप्पल बना के तैयार कर दिए हैं। अब मैंने लिया है ये रेड फूड कलर, ये जेल कलर है, ये बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ही ज्यादा असर करता है। ये केक में मिठाइयों के लिए जेल कलर काफी अच्छे होते हैं, इस कलर से बहुत ही अट्रैक्टिव सी मिठाइयां बनती हैं। इसे अब मैंने ब्रश में जेल कलर लगा दिया है, हाथ में लेना है एक एक एप्पल को, हमने मिनी एप्पल बनाए हैं और आप देखिए ऐसे से करके मुझे मैं हल्के से पूरे में कर्लिंग कर देना है, जितना डार्क चाहिए आप उस हिसाब से अपना कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरे एप्पल में ये कलर कर दिया और हमारी मिठाई देखिए कितनी अट्रैक्टिव सी मिठाई बनी है। इसी तरह मैं सारे एप्पल में कलर कर दूंगी, मैंने सारे मिनी एप्पल्स में कलर लगा दिया है। ये कलर नुकसान नहीं करता है क्योंकि ये फूड कलर होता है। अब हम इसमें लगाएंगे पिस्ते, मैंने इस पिस्तों को काट के रखा है, हमें एप्पल की लीप बनानी है और आप देखिए हमारी मिठाई कितनी अट्रैक्टिव सी बन के तैयार हो गई है। ये 1.5 कप काजू, इस काजू को मैंने 2 हिस्सों वाले मंगवाए हैं क्योंकि ये कम बजट में होते हैं और अच्छे से मिलते हैं। और ये हमारी मिठाई के लिए चाहिए, हमें खाना होता तो हम सैगो काजू खरीदते हैं, लेकिन मिठाई के लिए आधे आधे ये काजू मार्केट में मिलते हैं और इसमें दिखते भी हैं कि हमारे फ्रेश भी काजू और कीड़े भी नहीं लगे रहते हैं। काजू पैक होते हैं, कई बार बहुत महंगे काजू के अंदर कीड़े लगे हुए मिलते हैं। इन काजू को हमने मिक्सी में डाल के बारीक सा पाउडर बना देना है। मैंने मिक्सी ग्राइंड में इसे ग्राइंड किया और बहुत ही फाइन सा
पाउडर बन गया। यदि आपके पास गीले काजू है, कई बार हमारे काजू में मॉइस्चर रहता है, तो आप हल्की से कढ़ाई पे उस काजू को पहले सेक लीजिए, फिर ठंडा कीजिए, फिर पाउडर बनाइए। यदि आपके काजू रोस्टेड है, फ्रेश है, तो आप उसे डायरेक्ट मिक्सी में पीस लीजिए। गैस पे कढ़ाई रखिए। कढ़ाई में डाले आधा कप पानी, जितनी शक्कर है उसका आधा हमें पानी लेना है। हमने डेढ़ कप काजू लिया तो हमें डेढ़ कप शक्कर डालनी है। जितने काजू उतनी शक्कर। सोचिए अब हम मार्केट से खरीदते हैं काजू बर्फी, हमें 1000 रुपए किलो मिलती है। हम सोचते हैं 1000 रुपए के तो काजू हैं और 1000 रुपए की तो मिठाई है, लेकिन नहीं, आपके काजू की क्वांटिटी आधी लगती है और शक्कर। सोचिए 1 किलो के रेट पे हमने 2 किलो मिठाई खरीदेंगे, घर पे बनाएंगे और वो भी फ्रेश और ओरिजिनल, कोई मिलावट नहीं। बाहरों में इतनी मिलावट आती है कि हम सोच के डर जाते हैं। हमें शक्कर को कंटिन्यू चलाना है जब तक हमारी शक्कर गल नहीं जाती है। हमें इसमें एकता की चाशनी नहीं बनाना है, हमें इसमें सिर्फ शक्कर गल जाए और एक बॉयल आए तभी हमें काजू का पाउडर डाल देना है। यदि आप काजू का पाउडर घर पे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप मार्केट में भी आजकल बादाम का पाउडर और काजू का पाउडर इजिली मिल जाता है, ग्रॉसरी स्टोर पे आप इजिली जाके खरीद सकते हैं। हमारी शक्कर अच्छे से गल चुकी है और अच्छा सा बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें अपना काजू पाउडर डाल देंगे। एक साथ काजू पाउडर डालने के बाद फिर हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे। हमें थोड़ा थोड़ा नहीं डालना है, एक साथ डालने के बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स कर देना है। अब देखिए हमने इसमें सारा काजू पाउडर डाल दिया है। अब इसे हल्के हाथों से इसे धीरे धीरे इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें एक टाइट सा डो बना देना है। कितनी इजीली तरीके से हमारे सारे पाउडर और शक्कर में अच्छे से मिक्स हो रहा है। इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। जो काजू भिगो के हम मिठाई बनाते हैं वो काजू भी मिठाई भी अच्छी लगती है, लेकिन उसका प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है और हमें झटपट कभी मिठाई बनानी है तो हमें भिगोने की टेंशन नहीं है। झट से पीसिए और 10 मिनट में अपनी काजू बर्फी बना के तैयार कर लीजिए। त्योहारों में इतने सारे काम होते हैं कि हमें फुर्सत ही नहीं होती है, तो इसलिए हम शॉर्टकट में बहुत सारी मिठाइयाँ घर पे बना सकते हैं कम टाइम में और कम बजट पे। हमने कंटिन्यू चलाया तो हमारा डो काफी गाढ़ा हो गया है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए और चलाएंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद डो और थिक हो जाता है। थिक होने के बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे रख दिया है और ये हमारा डो अच्छे से ठंडा हो चुका है। ये देखिए हमने इसे डो को रूम टेम्परेचर पे रखा, डो हमारा अच्छे से ठंडा हो गया। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन जेल कलर है, ये मार्केट में इजिली मिलता है। आप पास नहीं है आप ड्राई कलर, वाटर कलर जो भी चाहें वो यूज कर सकते हैं, लेकिन मिठाइयों में जेल कलर अच्छा लगता है और अच्छा से चढ़ जाता है। इसमें 2 ड्रॉप डालोगे क्योंकि हमें डार्क ग्रीन बनाना है और इसे हम फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। जेल कलर में पानी नहीं रहता है तो हमारा डो लूज नहीं होता है, और वाटर कलर में पानी होने की वजह से जब हम फ्लेम पे डो रखा रहे तब हमें कलर मिलाना चाहिए ताकि वो डो घुमाते घुमाते हमारा अच्छे से उस पर कलर चढ़ जाएगा। और यदि आपके पास जेल कलर है तो आप डो को ठंडा करने के बाद ही उसमें ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। आप देख इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा, यदि आप वाटर कलर नीचे मिक्स करेंगे तो आपका डो वापस गीला हो जाएगा। और आप देख रहे हैं इसमें अच्छे से जेल कलर चढ़ रहा है, इसे मसलते हुए ही हमें चढ़ाना है। देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और देखिए हमारा पूरा पान का ग्रीन कलर होता है वैसा ही कलर इस पर चढ़ के तैयार हो गया है। मैंने एक बाउल में 4 चम्मच ग्लूकोन निकाला है और ये मैंने 25 काजू लिए, इसे मैंने फाइन काट के रखा है। आप चाहें तो इसमें मिक्स ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं काजू के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने इसे काजू को यूज किया। बहुत फाइन काजू है, काटना है तभी इसके अंदर अच्छे से फिल हो पाता है। और दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं ताकि जब हम फिलिंग भरेंगे तो खाने का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। पान फ्लेवर है इसलिए गुलकंद तो जरूरी बनती है, नहीं तो हमारे काजू बाइंड नहीं हो पाते हैं शहद वगैरह से, इसलिए हमने गुलकंद और काजू को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देखिए कितने अच्छे से हमारा मिक्सचर बनके तैयार हो गया है।
कि मैंने एक क्रशअप लिया है, इसके ऊपर हमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर डाल देना है। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने एक डोव जैसी लोई लेनी है, इसे हम पूड़ी बनाते हैं उसी साइज की हमें इसमें लोई लेनी है, और इस पे रख के हाथों के पंजों में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा के पहले हमें अच्छे से इसे प्रेस कर देना है। फिर इसे एक बार हटाइए ताकि वो चिपक ना जाए, क्योंकि हमें इसके लिए बहुत सॉफ्ट डो लगता है। और आप देखिए मैंने इसे हाथों से ही अच्छे से इसे बेल दिया है, और आपको दिखा रही हूँ कि इजिली पलट भी रहा है, अच्छे से पलट गया है। सॉफ्ट डो की वजह से कई बार हमारा रैपिंग में डो चिपक जाता है और उस पर बन नहीं पाता है। अब हम इसके चार हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। देखिए इसे मैंने चार हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक हिस्से को मैंने हाथ पे पकड़ लिया है, और हमने जो गुलकंद और काजू को अच्छे से मिक्स किया था हमें मिड में रख देना है, और हाथों से इसे शेप कर दे देना है ताकि जब हम फोल्ड करें तो वो अच्छे से फोल्ड हो पाए। हम आपको लेफ्ट हैंड से बता रहे हैं क्योंकि हमें राइट हैंड में चोट लगी हुई है तो हम अपने उंगलियों का सहारा नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं आपको लेफ्ट हैंड से बता रही हूँ। और हाथों से इसे रोल कर देना है, और आप देखिए कितने सुंदर से हमारा रोल बन के तैयार हुआ है। इसी तरह मुझे सारे रोल को बना के तैयार कर देना है। चांदी वर्क लिया है पेपर पे, और मैंने पान को इसके ऊपर रखा और हल्के हाथों से इसे प्रेस कर दिया तो इसकी अच्छे से कोटिंग लग गई। इसी तरह सारे पान बनाते जाना है और चांदी वर्क को साथ साथ में लगाते जाना है। हमने सारे पान को बना के तैयार कर दिया है, और कितने अट्रैक्टिव से हमारे पान लग रहे हैं। और ये देखिए हमारे तीन तरह की मिठाइयाँ बन के तैयार हुई हैं। देखिए कितनी लजीज और खूबसूरत सी हमारी मिठाई बनी है। इस तरह की मिठाई आप अपने घर पे ट्राई कीजिए, अपने एक्सपीरियंस कोमल के साथ शेयर कीजिए। कोमल किचन को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द नए वीडियो आप तक पहुँचा सके।